आज के समय में अगर देखा जाए तो एयर पोल्यूशन का प्रकोप तेजी के साथ लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है और यही एयर पोल्यूशन लोगों के लिए लंग कैंसर का खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में चिकित्सकों का कहना है कि स्मोकिंग लंग कैंसर की मुख्य वजह मानी जाती थी, लेकिन हाल ही के दिनों में ये बात भी सामने आई है कि लंग कैंसर के बढ़ते मामलों में पॉल्यूटेड एयर की भूमिका भी बढ़ रही है। चिकित्सकों के मुताबिक कैंसर स्मोकिंग नहीं करने वाले लोगों को भी हो रहा है। इसके अलावा पटना के चिकित्सकों की टीम ने मार्च 2012 से जून 2018 तक 150 से ज़्यादा मरीजों का विश्लेषण किया, जिसमें पाया गया कि बिना स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति भी कैंसर के शिकार बन रहे हैं। पटना के जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर वीपी सिंह ने सर्वेक्षण के आधार पर बताया कि इन मरीजों में तकरीबन 20% मरीज ऐसे थे जो स्मोकिंग नहीं करते थे। 50 साल से कम उम्र समूह में यह आंकड़ा तो 23% तक पहुंचा। ये लोग स्मोकिंग नहीं करते थे। उन्होंने बताया कि फेफड़ों से जुड़े कैंसर का सबसे बड़ा कारण धूम्रपान होता है। धूम्रपान से होने वाले इस आम कैंसर के बारे में तमाम जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इसके बावजूद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 76 लाख से ज़्यादा लोग हर साल इस बीमारी का शिकार होते हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर इसकी पहचान कैसे की जाए। तो आपको बता दें कि लंग कैंसर को आसानी से पहचाना जा सकता है। छाती में दर्द, छोटी सांसें लेना, हमेशा कफ रहना, चेहरे और गर्दन पर सूजन, थकान, सिर दर्द, हड्डियों में दर्द और वजन कम होना इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि कैंसर से सुरक्षित रहने के लिए व्यक्ति को पैसिव स्मोकिंग से बचना चाहिए और हर रोज योगा करना चाहिए, साथ ही जितना हो सके फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। क्योरेन हेल्डेक्सी रिजवान खान की रिपोर्ट।